Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, nowadays I am teaching you about the emphatic and statements. So today, this is the part 7. Okay friends, let's start the class of the day. Friends, अब तक 6 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, 6 पार्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स का, तो ये 7वां है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज। इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, मैं बता चुका हूँ कि इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी खेत का खेत बह गया, खेत का खेत बह गया मीन्स एक भी खेत नहीं बाकी रहा, पूरा खेत का खेत बह गया, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? फील्ड आफ्टर फील्ड वॉश, फील्ड आफ्टर फील्ड वॉज वॉश्ड अवे, फील्ड आफ्टर फील्ड वॉज वॉश्ड अवे, गांव का गांव जल गया, तो विलेज आफ्टर विलेज बर्न्ड डाउन, विलेज आफ्टर विलेज बर्न्ड डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं, खेत का खेत बह गया, गांव का गांव जल गया, पेड़ के पेड़ कट गए, तो इस तरह के सेंटेंस में हम इसका दो बार इस्तेमाल करेंगे, इससे गांव का गांव, तो विलेज आफ्टर विलेज, इसमें आफ्टर बीच में लगाकर, फिर विलेज आफ्टर विलेज, उसके बाद यहाँ पर वॉज लगेगा, वॉज बर्नड अवे, तो विलेज आफ्टर विलेज वॉज बर्नड अवे, दिस इज द मीन्स पैसिव सेंटेंस है, इसलिए हम पैसिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, बट इसमें सिर्फ इतना ही खास बात है कि इसमें आफ्टर लगाना है बीच में बस, जैसे पेड़ के पेड़ कट गए, मीन्स कट गए मतलब काट दिए गए, इसी तरह से फील्ड का फील्ड यानी खेत का खेत बह गया यानी बहा दिया गया पानी के द्वारा, तो ये वॉइस में आता है, इसलिए यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे, फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। अब यहीं पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन बीतता गया, तो डेज आफ्टर डेज रोल डाउन, दिन पर दिन बीतता चला गया, मिस बोलते हैं ना यार, दिन पे दिन बीतते गए, दिन पे दिन बीतते गए, तो डेज आफ्टर डेज रोल डाउन, इसमें हमने वॉज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में दोनों नाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, मीन्स दिन पर दिन, ये दोनों जो नाउन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम वॉज नहीं लगा रहे। तो दुख पर दुख आता रहा, तो सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा, मतलब कहते हैं ना, अरे वाह ये तो कमाल की चीज़ है यार, भोजन के भोजन और दवा की दवा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? इट इज बोथ फूड एंड मेडिसिन, इट इज बोथ फूड एंड मेडिसिन, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि इट सर्व्स, सिंपल है, यह भोजन का भोजन है और दवा का दवा, तो इसको दो तरीके से, इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, इट इज बोथ फूड एंड अ मेडिसिन, इट सर्व्स बोथ एज अ फूड एंड अ मेडिसिन, ठीक है फ्रेंड्स। अब घर घर में खुशी है, तो घर घर में मीन्स देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस, घर घर में खुशी है, ये प्रीपोजिशन वाला इंट्रोडक्टरी देयर है, इसलिए हम यहाँ पे देयर लगाकर बना रहे हैं, तो देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस,
देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। इसी तरह से अंग अंग में दर्द है, तो देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। लिम्ब मतलब अंग होता है, तो देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब। ठीक है फ्रेंड्स, अब वह कदम कदम पर हाफता है, तो ही पेंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कदम कदम पर हाफता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर ही इंट्रोडक्टरी देयर है, इसलिए हमने देयर लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही पेंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो ये है इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट सेंटेंसेस, बहुत सारे स्टेप्स आएंगे इसमें, अभी और भी एक दो वीडियो बनेंगे इसमें, तो आप इन सेंटेंसेस को समझते जाइए कि किस तरह के सेंटेंस है और किस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, ये समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक दो वीडियो इसमें बनेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि इस तरह के सेंटेंस को जो इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स वाले हैं उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।